कल वाइस चांसलर मेथड चल रहा था आपका, कल हमने दो कौन सा बना दिए थे भाई, ए बी उनको क्या तक लिखा चुके थे ना सर, वैल्यू कैसी हो सकती है पॉइंट टू देन इफ देन आइदर और ए प्लस बी बाई टू लेस देन सी, दो कंडीशन सपोज दैट इसको नेगेटिव मान लिया आपने को, इसको क्या मान लिया आपने अब इन दो वैल्यू चुन सकती है ना, मैं इसकी पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है नेगेटिव, इसको ज्यादा है तो फर्स्ट थ्री और बनेगा कुल, जैसे यहां पे तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, कितना आ रहा है भाई पॉजिटिव, ए प्लस बी पर क्या आ रहा है भाई पॉजिटिव, आ क्या आ रहा है पॉजिटिव, इफ ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल, अबे सो कौन से इंटरवल में होगा बोलो, पर ए नेगेटिव ए प्लस बी में की पॉजिटिव है तो कौन से इंटरवल में होगा बताओ, ए ए प्लस बी बाय टू, लेट सी इस इंटरवल को क्या कह दिया ए वन ये सेकंड, अबे अगर ये नेगेटिव होता तो देन रूट ऑफ एम एक्स लाइट लाइट इन इंटरवल एलाइज बिटवीन एलाइज इंटरवल, अबे बोलो कौन से इंटरवल में होता ए प्लस बी बाय टू, सिमिलरली दिस फर्स्ट थिंग अगेन अगेन सिमिलरली रिपीट प्रोसेस, अगेन एंड अगेन again and again and times approximation group approximation group of fx and times approximation root of fx, second case ka hai uska, ye to first case ho gaya, wo aapko kaise case kar rahe hain सेकंड
It is processing again and again. Find the real roots by approximation, real roots of the given function fx in the interval. In the closed interval AB. Example number 5, using bisection method. Using bisection method. Find the real root of the equation. x4 plus 2x minus x equal to 0. Line in the interval 0. अब ये क्या फंक्शन है? कंटिन्यूअस तो होगा योगा एलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है एलजेब्रिक एफएक्स के इक्वल मान इसको किसके इक्वल मान लिया अब देखो किस पे पॉइंट वैल्यू आ रही है किस पे पॉजिटिव वैल्यू और किस पे नेगेटिव है देखो अगर 0 0 करते हो तो 1 को 1 करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव 1 पे 0 पे नेगेटिव तो रूट किस के बीच में होगा 0 और 1 के बीच तो यार वैल्यू ऑफ f 0 इक्वल्स टू माइनस फॉर लेफ्ट हैंड जीरो एंड f 1 पर अब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन निकालेंगे फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे x =
0.75 into f
इसको लिखिए भाई जल्दी, हाँ जी जल्दी करेंगे। नेगेटिव
ये भी नेगेटिव आ गई तो इससे पहले पॉइंट पे किस पे है पे 0.2 0.848 into 0.875. Now you find six approximations. Six approximations. Six approximations. नहीं मेरा मिस्टर है लगा एक बार D plus 0.875 divided by 2 divided by 2 0.85 times 4 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 0.85
0.0 which is asking negative. So they are half the number. The negative is many point is it's a quantity. It's a thank you. So customer that's what they look
ये सर माइनस में पावर अच्छा सॉल्यूशन हां जी पर माइनस में तो राइट अप्रोक्सीमेशन तो यही हुआ और भी निकाल तो और भी जल्दी का जाएगा 0.00 तक पर जीरो हो जाएगी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो विच इज द तो लगभग क्या लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेशन में ये ऐसा हो गया 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 ये ऐसा हो गया